हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुंह में पानी। आप सभी लोग कैसे हैं फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो नए हैं मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरी वीडियोस है आपको समय पर मिलती रही है। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है जो कि और बड़ा साइज़ है। इनको अब मैं क्या कर लेंगे काट लेते हैं। तो मैंने आलू को कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से मैं डाल रहा हूँ फ्रेंच कॉर्नफ्लावर करीब 2 चम्मच है बड़े। इनको मिक्स करना है अब हमें, जब एक बढ़िया कोट होना चाहिए अच्छे से इनके ऊपर। तो देखिए मैंने इन कॉर्नफ्लावर को फ्रेंच फ्राइज से अच्छे से कोट कर लिया है एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसके ऊपर से मैं डाल रहा हूँ रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर। इनको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है लाल मिर्च पाउडर को और काली मिर्च को, और करीब 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रख देता हूँ इसको। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब बारी है डीप फ्राई करने की। तो देखिए अब जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालते हैं फ्रेंच फ्राइज। इनको हमें चलाते रहना है ताकि आपस में चिपके ना। तो देखिए हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो बुलबुले हैं ये कम नहीं हो जाते, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हम इनको तलेंगे। फ्राई करना है इनको डीप फ्राई। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इनको। एक टिश्यू पेपर में मैंने निकाल रख लिया है इनको ताकि जो जितना भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर में सोक कर लेगा। तो ये थोड़े और हैं, इनको मैं और फ्राई कर लेते हैं डीप फ्राई। सेम वही चलाते रहना है हमें। तो देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार होते हैं। गैस बंद कर देते हैं बंद। अब इनको निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैं डाल देता हूँ नमक और चाट मसाला। तो तैयार है हमारे फ्रेंच फ्राइज। इजी है, आराम से घर में ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। और पसंद आए तो आप भी इसे बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।